नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़, रियल फार्मा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, इस समय देखिए शुगर फ्री आलू यानी अलीगढ़ क्षेत्र में आलू की जो निकासी है इसको लेकर काफी लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम घर बैठ के भी वीडियो बना रहे हैं और आपने भी बोला है कि घर बैठ के काम नहीं चलेगा, बाहर जाके वीडियो बनाइए। तो हम कोल्ड में भी जा रहे हैं और लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, और मैंने यही सोचा है कि आपको एक वीडियो अगर मैं घर से बना रहा हूं तो एक वीडियो कोल्ड में जाके भी बनाऊं। कल मैं गया था रांची कोल्ड स्टोरेज में एक ग्लास में, तो वहां पे हम थोड़ा लेट पहुंचे थे शाम को, तो वहां के जो मैनेजर हैं उन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी है और बहुत बढ़िया जानकारी वहां पे देने का उन्होंने प्रयास किया है और पूरी स्थिति बताई है कि आलू की आखिर स्थिति क्या चल रही है। देखिए, कुछ कोल्डों में जो आलू की जो निकासी है वो काफी अच्छी चल रही है, कुछ कोल्डों में अभी शुरुआत हुई है, हमारे शुगर फ्री की बात कर रहा हूं मैं, और अलीगढ़ के कुछ कोल्ड ऐसे हैं जो अभी कल या परसों में ही खुले हैं। तो इस चीज को देखते हुए हम लगातार बहुत कोल्डों की यहां पे जानकारी आप लोगों के सामने लाने वाले हैं और अप्रैल की जो निकासी हुई है उसकी आपके लिए एक सटीक रिपोर्ट बना रहे हैं और जल्दी आप लोगों के लिए ये रिपोर्ट मिलने वाली है। अब किसान भाइयों, रही बात देखिए आगरा की, आगरा के जो क्षेत्र है वहां पर डिमांड भी शुरुआत से रही है और वहां पर निकासी भी अच्छी रही है, तो वहां के कोल्डों से और शुगर फ्री के कोल्डों से अभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ मई के महीने में ज्यादातर निकासी शुरू होती है कोल्डों से, लेकिन इस साल अप्रैल के महीने में जो निकासी हुई है ये सभी किसान भाइयों के लिए पॉजिटिव खबर है और प्लस पॉइंट है, आप इतना मान सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही निकासी मतलब होने वाली थी तभी आलू में डाउनफॉल आ गया, यानी रेट डाउन हो गया। जैसे कि मेरी अभी कोल्ड वाले से बात हुई है, वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ अचानक काफी अच्छा आलू बिका, 20,000 पैकेट बिक गया, लेकिन जब निकालने का समय आया निकलते निकलते 12-13 हजार पैकेट निकल पाए, उससे पहले मार्केट हो गया डाउन। अब व्यापारी भी रुके हुए हैं और किसान भी रुके हुए हैं इस चीज को देखते हुए। और यहाँ पे एक और सबसे बड़ी बात है, इस समय जो व्यापारी भी लोडिंग कर रहे हैं आलू की, वो गुल्ला या किर्री आलू की ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है गुल्ला और किर्री आलू में डिमांड है। देखिए, इस समय मोटे आलू की मंडी, जैसे कि हमारी दिल्ली मंडी है, दिल्ली मंडी बिल्कुल भी शांत बैठी है, दिल्ली मंडी में हलचल ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन गुल्ले आलू की या किर्री आलू की हलचल आपकी कानपुर मंडी में, आपकी पूर्वी क्षेत्र की जितनी बार मंडी है या बिहार की जो मंडी है उनमें हलचल देखने को मिल रही है गुल्ला या किर्री आलू में। तो जितना बड़ा आलू जा रहा है कोल्ड से निकल के, किर्री गुल्ला तो ये मान लीजिए आज बिक रहा है तो तुरंत निकल रहा है और सीधा पूर्वी क्षेत्र में जा रहा है, क्योंकि वहां से व्यापारी गुल्ला आलू में तब भी 10-20 रुपए कमा पा रहे हैं, लेकिन मोटे आलू में यहाँ पे स्थिति काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है, जो रेट कोल्ड में वो रेट मंडी में, तो इस वजह से निकासी भी थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और बाकी आप लोगों के लिए मैं अभी और भी कोल्ड वालों से जानकारी करनी है, इसमें मैं काफी कोल्ड वालों की सहायता ले रहा हूं, फिर इसके बाद हम कुछ और लोगों की भी सहायता ले रहे हैं निकासी की रिपोर्ट के लिए। लेकिन देखिए, मई के अप्रैल के महीने में जो निकासी हुई है वो हर जगह एक सी निकासी नहीं है, इस वजह से आप लोगों को जो भी निकासी की रिपोर्ट है इसको देने से पहले हम काफी अच्छी आप लोगों के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, जो मतलब रियलिटी स्थिति है उसको आपके सामने रखने वाले हैं। तुक्का अगर मारना चाहे तो तुक्का तो मर जाएगा, अगर बोल दें कि आपको लिख के दे दें कि 8% निकासी है तो ये तो तुक्का हो गया कि 8% निकासी है, लेकिन कहां कहां कितनी है ये जानकारी लेने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा और आपको जल्दी मैं रिपोर्ट देने वाला हूं। अब बात करते हैं कुछ आलू के भाव के बारे में। देखिए, कुछ मंडियां जो धीरे धीरे डाउन हो गई थी, एकदम डाउन स्थिति पे हो गई थी, उन मंडियों में थोड़ा सा हलचल दिखी है, मतलब हलचल का मतलब थोड़ा सा आलू में पहले अगर 1,000 रुपए पैकेट है तो इस समय 1,050 रुपए यानी 50 रुपए की हलचल दिखी है। किसी मंडी में आज भी स्थिति वही बनी हुई है, किसी मंडी में थोड़ा डाउनफॉल भी आया है, जैसे कि इस समय मुंबई मंडी जो 23-24 रुपए किलो तक आराम से बिक रही थी आज 23 रुपए किलो पे अटक गई है। तो और भी मंडी है, जैसे साउथ की मंडी है, साउथ की मंडी जो 26-27 रुपए पे थी वो 28 भी हो गई है। अब जैसे भुवनेश्वर मंडी है उसमें भी 100 रुपए की तेजी देखने को मिली है, और इस समय जो बंगाल का मार्केट है वो भी अच्छे रेट पे देखने को मिला है, यानी बंगाल का मार्केट पहले काफी डाउन था, आज बंगाल काफी ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्वी क्षेत्र में मंडियां अच्छे भाव बोल रही हैं और वहां पर डिमांड बनी हुई है पूर्वी क्षेत्र में। अब देखिए, दिल्ली मंडी की बात करें, दिल्ली मंडी में अभी की स्थिति में स्टोर की गाड़ी जा रही है 23-24 गाड़ी, लेकिन पहले 2023 में गाड़ी जा रही थी 30-35 गाड़ी, ये डाटा है आप लोगों को जल्दी में देने वाला हूं, ठीक है। दिल्ली मंडी में आज 89 गाड़ी, 26 गाड़ी कल की बैलेंस को लगाकर, सरवार का दिन है, डबल मंडी है और गाड़ी भी कम पहुंची है। इसका मतलब आज दिल्ली मंडी में सब कुछ फड़ सब साफ होने वाला है और भाव बढ़े ना बढ़े लेकिन फड़ साफ हो जाएगा। इस भाव में 37-97 900 रुपए से लेकर 1,000 रुपए पैकेट बढ़िया बीएपी क्वालिटी का, चिप्सोना बिक रहा है 1,000 से लेकर 1,100 रुपए पैकेट बढ़िया क्वालिटी का, और 84 वाला 1,100 है और हमारे यहाँ का 1,050 रुपए तक है, और सूर्य आलू बिक रहा है 1,150 रुपए से लेके और 1,300 रुपए, और डबल बीआईपी क्वालिटी है तो 1,400 रुपए, यानी डंप वाला 1,100 से लेके 1,200 और बीआईपी क्वालिटी है तो 1,300 से लेके 1,400। हाइब्रिड बिक रहा है देखो ख्याति है और 302, ये और शमशाबाद का जो आलू है या और भी आलू है, तो ये जो 302 और ख्याति है ये हाइब्रिड में अलग कैटेगरी में आता है, या के मोहन आलू ये बिक रहा है 800 से लेकर 900 रुपए पैकेट,
और बीआईपी क्वालिटी तो 950 रुपए पैकेट, लेकिन एक हाइब्रिड है आपका पुखराज आलू, ये आलू बिक रहा है 700 से लेकर 750 रुपए, बढ़िया बीआईपी क्वालिटी तो 800 रुपए पैकेट, और डायमंड बिक रहा है 950 से लेकर 1000 रुपए पैकेट। और देखिए एक हाइब्रिड आलू शमशाबाद का ऐसा है वो 1000 से लेकर 1100 बिक रहा है, यानी चिप्सों के रेट में बिक रहा है। तो हाइब्रिड में भी काफी कैटेगरियां देखने को मिल रही है। ठीक है, मुंबई मंडी की बात करें, मुंबई मंडी में आज 20000 पैकेट के लमसम पहुंचे हैं, और यूपी का आलू 20 से लेकर 21 रुपए किलो, बीआईपी क्वालिटी है तो 21 से लेकर 22, और अच्छी क्वालिटी है तो 23 भी बिक गए, लेकिन ज्यादातर 22 के सौदे ज्यादातर हुए। हाईब्रिड बिक रहा है यहाँ पे 16 से लेकर 18 रुपए किलो, बीआईपी तो 19 रुपए किलो। एमपी का ज्योति आलू बिक रहा है 22 से लेकर 24 रुपए किलो, बीआईपी तो 25 रुपए किलो। अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद में जो पुखराज आलू है दिशा का वो बिक रहा है 16 से लेकर 21 रुपए किलो, और अहमदाबाद में बादशाह आलू बिक रहा है यहाँ पे 20 से लेकर 25 रुपए किलो, बीआईपी क्वालिटी तो 26 रुपए किलो। और अहमदाबाद में ख्याति आलू बिक रहा है 18 से लेकर 23 रुपए किलो, बीआईपी तो 23.5 रुपए किलो तक। और पंजाब का आलू बिक रहा है 15 से लेकर 16-17 रुपए किलो तक, और आगरा का आलू बिक रहा है 20 से लेकर 23 रुपए किलो तक अहमदाबाद मंडी में। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं बाराबंकी के कुछ कोल्डों की। बाराबंकी के कोल्डों में 2000 रुपए से लेकर 2050 रुपए 2070 रुपए तक के सौदे हुए जो पर्ची वायरल की जा रही है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे हैदराबाद की। हैदराबाद में आगरा का आलू बिक रहा है 22 से लेकर 25 रुपए किलो, बीआईपी तो 26 रुपए किलो। यहाँ पे बात करते हैं तेलंगाना के महबूबनगर की, 23 से लेकर 27 रुपए किलो तक आलू यहाँ पे बिक रहा है। अब मैं बात करता हूँ मैसूर मंडी की। मैसूर मंडी में इंदौर का ज्योति आलू बिक रहा है 27 से लेकर 28 रुपए किलो, पुखराज आलू बिक रहा है इंदौर का 26 से लेकर 27 रुपए किलो, और गुजरात का बिक रहा है पुखराज 26 से लेकर 27 रुपए किलो। और यहाँ पे बात करते हैं किसान भाइयों हल्द्वानी की। हल्द्वानी में आलू 16 से लेकर 18 रुपए किलो, बीआईपी तो 19 रुपए किलो। और अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर मंडी उड़ीसा में जो कल रात का भाव है वो है आपका 2200 से लेकर 2250 रुपए क्विंटल यहाँ पे भाव रहा है। और यहाँ पे बिहार की बात करें पटना की, तो सिंदूरी आलू बिक रहा है 21 से लेकर 23 रुपए किलो तक, और आगरा का बीआईपी गोल्डा बिक रहा है 20 से लेकर 22, और बीआईपी क्वालिटी है तो 23। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आगरा के और अलीगढ़ के कुछ कोल्डों के बारे में। देखिए आगरा में जो आलू बिक रहा है वो आपका बिक रहा है 1000 रुपए से लेकर 1050 रुपए तक, और डबल बीआईपी क्वालिटी है तो 1100 रुपए पैकेट से 3,900, और बीआईपी क्वालिटी की बता रहा हूं मैं ज्यादातर, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पे 1150 या 1150 भी बिक गया है 3,900, लेकिन 1100 तक के ज्यादातर सौदे हो रहे हैं, इससे ऊपर नहीं हो रहे हैं। टूडला के पूरे क्षेत्र में 1050, 1060, 1070, 1100 रुपए लास्ट है, आप सौदा मान सकते हो 3,900 का, और 1100 रुपए भी नहीं बिक रहा है। काफी लोग तो मुझे किशन भाई यही बोल रहे हैं कि गौर साहब यहाँ पे तो 1050 रुपए तक ही बिक रहा है 3,900, तो फिर भी मैं मान रहा हूँ कि किसी किसी कोल्ड में डबल बीआईपी क्वालिटी या कुछ भी और मान सकते हो ऑर्डर वाला माल, वो 1100 भी बिक गया होगा। पूरे आगरा की स्थिति में बता रहा हूं मैं। हाइब्रिड बिक रहा है आपका 950 रुपए से लेकर 1000 रुपए 1010 रुपए तक लास्ट, बढ़िया बीआईपी क्वालिटी, और 1000 रुपए भी बहुत बीआईपी क्वालिटी मानने वहां का। और यहाँ पे गुल्ला बिक रहा है 750 से लेकर 850 रुपए, यानी गुल्ला पे जरूर अच्छी स्थिति बनी हुई है, 50 रुपए की तेजी है। किर्री आलू की बात करें 500 से लेकर 550 रुपए तक, बीआईपी क्वालिटी तो 580 रुपए तक भी यहाँ बिकाए। अलीगढ़ के कोल्डों की बात करें, अलीगढ़ के कोल्डों में 3,797 बिक रहा है 900 से लेकर 950 रुपए तक, बीआईपी क्वालिटी है तो 970-980 रुपए तक। चिप्सोना बिक रहा है 950 से लेकर 1050 रुपए तक, बीआईपी है तो 1050-1070 रुपए तक भी बिक गया है। हाइब्रिड बिक रहा है यहाँ पे 800 से लेकर 900 रुपए, बढ़िया क्वालिटी का, बीआईपी क्वालिटी तो 10-20 की कोई बात नहीं है। सूर्य बिक रहा है 1100 से लेकर 1150 रुपए, और बीआईपी क्वालिटी है तो यहाँ पे 1250 रुपए तक। और गुल्ला बिक रहा है यहाँ पे 700 से लेकर 800 रुपए, यानी 50 रुपए का अंतर है केवल आगरा के और अलीगढ़ के गुल्ला में। और किर्री बिक रही है 450 रुपए से लेकर 550 रुपए तक। तो किसान भाइयों ये हैं आज के आलू के भाव, और मैंने आपको स्थिति बता दी है, और आप लोगों की मेहरबानी है जो आप मुझे अब धीरे धीरे कोल्ड की तरफ जाने के लिए बार बार बोल रहे हो, और मैं जा रहा हूं और काफी अच्छा लग रहा है भाई, वहां तक की स्थिति जानना जरूरी है, क्योंकि कोल्ड के जितने पर काफी लोग हैं, जिन लोगों के साथ हम वीडियो बना रहे हैं वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, और आप लोगों की ताकत है जो हमें वो वीडियो बनाने के लिए अपने कोल्ड में इजाजत भी दे रहे हैं। और देखिए आप लोगों से एक हमारी विनती है, आप लोग हमारे साथ में एक कष्ट करें कि हम जो भी कोल्ड वालों की वीडियो बना रहे हैं उन वीडियो को आप शेयर जरूर करें, हमारी वीडियो को शेयर करें ना करें लेकिन उनकी जरूर करें, क्योंकि उनको भी पता पड़नी चाहिए कि उनकी जो जानकारी है कितनी इंपोर्टेंट जानकारी होती है, ये कितनी दूर दूर तक जाती है। तो वो अगली बार से अगले महीने की जो हम निकासी की रिपोर्ट उनसे लेंगे दोबारा, तो उनको ये प्रूफ हम दिखाते हुए जाएंगे आगे। तो इसके लिए किसान भाइयों आप सहयोग करते रहें। मैं विकास गौड़, रियल फार्म एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। आज मतलब कल सुबह फिर आपको एक नए कोल्ड की जानकारी मिलने वाली है, एक नए मैनेजर साहब से बात करेंगे, कोल्ड के ओनर मिलेंगे तो उनसे भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।